बॉलीवुड के क्यूट कपल रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की जोड़ी जहां दर्शकों की फेवरेट है, लेकिन वही अब इनके अलग होने की खबरें सामने आई थी। एक ट्वीट वायरल हुआ था कि इन दोनों के रिश्ते में खटास आ गई है और इसी वजह से दोनों अलग होने का फैसला कर रहे हैं। लेकिन अब दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह के अलग होने की खबर पर आ गया है एक्ट्रेस का रिएक्शन। हाल ही में एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इन दोनों ने अपने अलगाव होने वाली खबर पर चुप्पी तोड़ दी है। एक इंटरव्यू के दौरान दीपिका पादुकोण ने अपने पति रणवीर सिंह के बारे में बात करते हुए कहा कि उन्हें उनके वापस आने पर काफी खुशी होती है। दीपिका इन दिनों अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को लेकर काफी चल रही हैं बिजी। ऐसे में हाल ही में उन्होंने पेरिस फैशन वीक में रैंप वॉक भी किया था। इस बारे में बात करते हुए एक्ट्रेस ने खुलासा किया है कि अपने बिजी शेड्यूल के चलते ही रणवीर सिंह काफी समय से घर से दूर है। इसको लेकर एक्ट्रेस ने कहा कि एक हफ्ते के लिए मेरे पति म्यूजिक कॉन्सर्ट में थे और अभी वो वापस लौटे हैं। जब वो वापस लौटे तो मेरा चेहरा देखकर काफी खुश हो गए थे। बता दें कि दीपिका पादुकोण के इस बयान ने साफ कर दिया है कि उनके और रणवीर के बीच सब कुछ सही चल रहा है। बता दें दोस्तों कि हाल ही में ऐसी खबरें सामने आई थी कि रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण में सब कुछ सही नहीं है और ये दोनों अब एक दूसरे से अलग होने भी जा रहे हैं, मगर बाद में रणवीर सिंह ने इन्हें केवल अफवाह ही करार दिया। यही नहीं बल्कि यहाँ ऊपर उन्होंने दीपिका के साथ 10 साल तक साथ रहने की बात भी की थी। इस बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा था कि टचवुड, हम मिले और साल 2002 में हमने डेटिंग करना शुरू किया और इसीलिए साल 2012 में मुझे और दीपिका को 10 साल हो गए। वर्कफ्रंट की बात करें तो रणवीर सिंह की अपकमिंग फिल्म सर्कस है, जिसमें वो पूजा हेगड़े और जैकलिन फर्नांडिस के साथ नजर आने वाले हैं। ये फिल्म दिसंबर महीने में सिनेमाघरों में रिलीज होगी। वहीं दीपिका पादुकोण शाहरुख खान के साथ फिल्म पठान को लेकर काफी लगातार सुर्खियों में छाई हुई हैं। तो दोस्तों इसको लेकर क्या है आपकी राय? रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की ये जोड़ी आपको कैसी लगती है? कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूले और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।